आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको एक साथ इकट्ठा क्यों बुलाया था। कोई खास बात होगी? हाँ बिल्कुल खास बात है। जब से महेश इस घर में आया है तब से मैं इसको लेकर बहुत परेशान हूँ। इसकी हरकतों ने मुझे बहुत दुखी किया है, लेकिन हाल ही की घटना ने मुझे बदल दिया है और जो गांव वालों के प्रति मेरी सोच थी उसे भी बदल दिया है। महेश वास्तव में हीरा है, हीरा। इसीलिए मैंने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि महेश की शादी पिंकी के साथ कर दूं। पर पापा ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दरवाजा खोलो, देखो तो कौन है। पिताजी आप? तू? भाई तेरे तो हद कर दी। आओ। नमस्कार। नमस्कार महेश, ये तुम्हारे पापा जी हैं? जी। जीती रहे बेटी, खुश रहे। बैठो जी। बहुत ही होनहार है लड़का तुम्हारा, हमारी बहुत सेवा की है इसने, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इसे आपने। ये हमारे घर का नौकर नहीं, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लगने लगा है ये। वो तो ठीक है भाई साहब, जैसी भी परवरिश मेरे तो हुई मैंने करी। और महेश, तैने नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई थी? तू यहाँ नौकरी क्यों करने लगा? आपको पता नहीं है कि ये हमारे दामाद जी का नौकर है? भाई साहब मुझे तो बस इतना पता है, अकयु 2-3 दिन की कह कर आया था। पर ये तो मुझसे कह रहा था कि इसका पूरा परिवार नौकर है। भाई ये तो हद हो गई, बेटा खानदानी नौकर और बाप को पता ही नहीं। वाह क्या बात है, आपका दूसरा बेटा भी तो आया था एक दिन रात में, और इसकी मौसी भी आई थी रात में। ये शुक्र है कि आप दिन में आए हो। लेकिन मुझे तो कह रहा था कि पिता के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। ये यू बात तो यू बिल्कुल ठीक कह रहा है, यू मेरा इकलौता बेटा है, और अब तो इसकी मौसी को मरे भी कई साल हो लिए। महेश यू मैं क्या सुन रहा भाई, तने क्या झूठ बोल रखा है इनके आगे? और क्यों तने अपने आप को खानदानी नौकर बता रखा? हम तो खानदानी जमींदार हैं। बल्कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना झूठ बोल सकता है। ओए महेश, मैं तो तुझे अपना दामाद बनाना चाहता था, पर तूने आज ये साबित कर दिया कि मैं बिल्कुल सही था। गांव वाले जालसाज, फ्रेबी और धोखेबाज होते हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहता। पापा आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि ये एक नंबर का झूठा और मक्कार है। देखिए भाई साहब, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मेरा लड़का है बहुत शरीफ और सच्चा। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आप अपने लड़के को लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो पिताजी, मैं आपकी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले आगे कुछ और कहें मुझे सहन नहीं होगा। रुक जाओ महेश। पापा, महेश ने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पर किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। क्या? बेटी ये क्या कह रही है तू? पर तुम दोनों ने यूँ करा क्यों? वो पिताजी बात ऐसी थी कि मैं और संजना आपस में प्यार करते थे। प्यार? पर संजना की शादी तो रोहित से हो चुकी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सच है पापा जी, संजना और मेरी शादी तो कभी हुई नहीं। हे भगवान, लगता है मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। संजना क्या ये सब कुछ सच है? जी पापा। देखिए मैं आपको सारी बात बताता हूँ।